जिम्मेदारी राज्य कार्यकारिणी में उन्होंने मुझे सदस्य बनाया है, तो उनको पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक विश्वास भी उन्होंने किया है कि जिस तरह से मेरे पिताजी जब हम लोग BSP छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में BSP के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे और लगातार उनका कारवा चलता रहा मेरे पिताजी का, तो इसके वजह से उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास किया और मुझे राज्य कार्यकारिणी में सदस्य बनाया है। तो आज जबकि मैं बताया, तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक हम लोगों पर विश्वास किया है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये युवा को हम लोग जोड़ते हैं तो ये बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और जो आने वाला 2022 है, 22 का जो चुनाव है, इसमें मैं बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं की रहेगी। इस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास कर, देखा जाए तो जिस राज्य कार्यकारिणी में आजम खां के लड़के को भी रखे हैं, हमको भी रखे हैं, संग्राम सिंह जो विधायक हैं उनको भी रखे हैं और काफ़ी संख्या में पूर्व मंत्री विधायक लोग भी हैं उनको भी इसमें रखा गया है। अब बहुत विश्वास करके उन्होंने रखा है सर। सर अब उनको क्या बताया जाए, वो तो मान लीजिए कि मंत्री हैं, अगर खुद से वो डीजल पेट्रोल भराते तब तो समझ में आती। सर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल बढ़ने से, आप लोग भी सर मीडिया वाले लोग हैं सर, आपको ही पता है कि जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ पर महंगाई बढ़ जाती है। अब उनको कैसे बताया जाए, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रक से जो भी सामान लाए जाते हैं, अब पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, और जब हर सामान ये डीजल पेट्रोल बढ़े तो हर सामान महंगाई बढ़ेगी, उसी तरह से भी सब कुछ महंगा होगा। अब उनको ये नहीं पता है, जब कह रहे हैं कि 95% लोग डीजल पेट्रोल यूज नहीं करते हैं, अरे भैया जो किसान है अपने हर किसी के पास तो बिजली है नहीं, वो जनरेटर चला करके और अपने खेत की सिंचाई करता है, इस तरह तमाम कार्य हैं जो कि ये आपके ये तेल के माध्यम से होता है, डीजल पेट्रोल के माध्यम से होता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं 95% लोग यूज नहीं करते हैं। तो एक मंत्री की अगर